क्या बात है यार, क्या इनक्रेडिबल व्यू है ये रोमन फोरम का। अरे वो सब छोड़ो जी, ये सीगल क्या कर रहा है इधर हैं? इसका भी अपना ही एक अलग मजा है कि आप मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलो और मस्त सामने खूबसूरत सा कोलोसियम, क्या शानदार नजारा है ना। ये एक थिएटर था, ग्लैडिएटर्स थिएटर, जहाँ पे फाइटिंग होती थी, जहाँ पे एनिमल हंटिंग होती थी लाइव। आसपास देखना पड़ता है कि भाई साहब कोई है तो नहीं, वरना गिले हो जाएंगे फुकट में। Good. Oh my God. Handshaking should be hugs at this point. Sure, why not? यूरोप में जब भी आप पानी खरीदते हो ना, तो सिंगल बॉटल कभी नहीं खरीदने का, 6 का पूरा पैक खरीदने का। इसका कारण ये है कि अब ये सिंगल बॉटल है ना छोटी, इसका कॉस्टिंग है 1 यूरो, यानी कि तकरीबन 90 रुपया। लेकिन अगर पूरे 6 का पैक लेते हो तो सिर्फ ये 2 यूरो में आएगा, मतलब 3 गुना कॉस्टिंग का फर्क मिनिमम होएगा। फिर चाहे बड़ी बॉटल का खरीदो कि छोटी बॉटल का खरीदो, 6 का पैक खरीदने का अपने हॉस्टल होटल में रख देने का वही आपको सस्ता पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का, स्वागत करता हूँ एक नए स्पेशल एपिसोड में यूरोप सीरीज के। इस वक्त जैसे कि आपको पता है हम है रोम द कैपिटल ऑफ इटली, और आज का वीडियो स्पेशल है बिकॉज आज हम एक स्पेशल जगह कवर करने वाले हैं, रोम के नज़र से नहीं, इटली के नज़र से नहीं, दुनिया के नज़र से, बिकॉज ये है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक हिस्सा, कोलोसियम। इससे पहले मैं ताजमहल, आगरा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना और पेट्रा, जॉर्डन, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से है ना, वहां मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, आपको पता ही है। आज हम 4th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को कवर करने वाले हैं। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्रीकाल, केम छो, जय जिनेन्द्र, वडक्कम। सो पिछले वीडियोस में आपने देखा ये जो मेरा हॉस्टल स्टे है ना रोम में, वो उस तरफ ही है, मतलब टर्मिनी स्टेशन, जो यूरोप का वन ऑफ द, या फिर रोम का वन ऑफ द मेन रेलवे स्टेशन है ना, जहाँ से आप एक देश से दूसरे देश ट्रेन पकड़ के जा सकते हो, वो महज 6 से 7 मिनट बाय वॉक है, और वहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है। और आज हम यही मेट्रो स्टॉप पकड़ के जाएंगे कोलोसियम। यहाँ से वैसे तो बाय वॉक 22-23 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना नजदीकी है मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो भी अनुभव कर लेंगे रोम की, इटली की, और पहुंच जाएंगे जल्दी, है ना। ऐसे सिंगल फेयर 1.5 यूरो या 2 यूरो का है मेट्रो का, लेकिन मैंने क्या क्या 24 आवर्स का खरीद ही लिया, क्योंकि वापस आओगा, फिर शाम में कहीं और जाओगा, फिर कल सुबह वेटिकन सिटी जाओगा, मतलब बहुत बार ऐसे भी टूर होने ही वाला है। तो 24 आवर्स का मेरे को पड़ा 7 यूरो का, यानी कि आप इंडियन करेंसी में कह सकते हो 630-640 रुपीज। और इस तरीके से मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन कम अपना मुंबई का लोकल स्टेशन ज़्यादा दिख रहा है जी। इसका भी अपना ही एक अलग मजा है कि आप मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलो और मस्त सामने खूबसूरत सा कोलोसियम, क्या शानदार नजारा है ना, वाह वाह वाह। आज हम अंदर भी जाएंगे, बाहर से क्या ही देखेंगे, तभी तो वसूल होगा ना इधर तक आने का। जी हाँ, मैंने ये डे टूर बुक किया है गाइड समेत, ताकि के इसकी हिस्ट्री वगैरह भी जाने, इसको नजदीक से देखे, जाने परखे, महसूस करे, अनुभव करे, अंदर घुसे, कोलोसियम को टच करे, जो मर्जी आप बोल दो, समझ जाओ कि हाफ डे टूर करने वाले हैं और कोलोसियम को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं, अलोंग विद 2-3 मोर अट्रैक्शंस नियर बाय। ये देखो स्कैम चल रहा है यहाँ पे, पकड़ा दिया। अभी ऐसा बोला कि फ्री में ले लो एज अ गुड फ्रेंड बैंड, ठीक है, अभी पहना रहा है ना, अभी देखना पैसा मांगेगा लास्ट में, और एक बार पहना दिया उसके बाद पैसा मांगेंगे, ये चलता है यहाँ पे स्कैम। कभी भी ऐसी जगह जाओ ना, पेरिस हो गया, ये यूरोप के जो भी मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे जाओ ना, तो कृपया करके नो सबको इग्नोर मारने का, सच कह रहा हूँ, भले ही थोड़ा सा हार्श लगता है सुनने में, क्योंकि हम इंडियंस किसी को ऐसे जल्दी इग्नोर नहीं मारते, लेकिन मारने का इग्नोर, क्योंकि आपसे फिर पैसे ऐटे जाएंगे जबरदस्ती करके, सीन क्रिएट करके, फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं रहता, इनको पैसा देना ही पड़ता है, तो कृपया करके इग्नोर मारना सीख लेना ऐसी जगहों पे इनसे। ऑडियो गाइड राइट? Yes, it will be a guide, a live guide. Live guide. Yes. अच्छा, तो जो काकी है या आज की हमारी टूर गाइड है, जो कि बोल रही है माइक में कुछ, और सबके कानों में ईयरफोन है तो सबको सुनाई दे रहे हैं कि क्या बोल रही है और क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। मैं भी धीरे धीरे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा कि क्यों है ये खास कोलोसियम और कब बना था ने क्या क्या हुआ था। ये देख लो कितनी बड़ी लाइन है, जोरदार बड़ी लाइन है, क्योंकि होती है ना ऐसे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, लाइन नहीं होगी तो कैसा चलेगा जी। रेट अगर टिकट एंट्री की बात करूँ 1500 रुपये के आसपास होता है, लेकिन हमारी स्किप द लाइन है, हमको बड़ी वाली लाइन नहीं लगानी है, छोटी वाली लाइन लगानी है।
ये हमने एंट्री मार लिया कोलोसियम में, जिसका असली नाम था एम्फी थिएटर फ्लाविओना, वो कोलोसियम तो इसका निकने में। बता दूं कि जैसे आप एंट्री मारोगे ना तो आपको वॉल्स दिखेगी काली काली। इसका कारण ये है कि बाहर तो साफ सफाई की गई है, जिसकी वजह से बाहर साफ सुथरा दिखता है लेकिन अंदर काला काला दिखेगा। क्योंकि 2013 तक ना यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह अलाउड थी, मतलब ये जो रोड है ना बाहर का कोलोसियम का, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जा सकती थी, जिसके कारण जो एयर पॉल्यूशन होता था उसके वजह से ये ब्लैक ब्लैक हो गया है। गाइड वॉटर में हमें कह रही थी कि 1990s से ये स्ट्रिक्ट हो गया है, अंदर कोई जा नहीं सकता और ना ही दीवारों पे कुछ लिख सकता है। वरना पहले 40 साल पहले 30 साल पहले तो दीवारों पे लोग इतना लिखा लिखी करते थे ना, ग्रेफिटी क्या बोलते हैं, ग्रेफिटी छोड़ते थे ना, अपनी निशानी छोड़ते थे ना, देख लो। क्योंकि पहले तो ये ऐसे ही आ जाते थे ना खेलने, पकड़ा पकड़ी छुपा छुपी खेलने आते थे। और वो तो उसके बाद स्ट्रिक्ट हुआ है, विजिटर्स तभी जा सकते जब एंट्री फी लगेगी, पासपोर्ट चेकिंग हो गया, फिर आईडी कार्ड चेकिंग, तभी से फिर ये चालू हुआ, तभी से इसकी अहमियत बढ़ी थी। और अभी तो कोई अगर कोई लिख देना बेटा तो उसको 5 साल जेल है और 50,000 यूरो का फाइन है। वैसे ये 2200 साल पहले बनाया गया था और जस्ट इमेजिन इतनी पुरानी जगह है और क्या मार्वलस इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि अंदर से आप देखोगे ना तब आपको मजा आएगा। और ये हम आ चुके हैं कोलोसियम के एकदम ही अंदर जी, जो मेरे सामने का नजारा है ना, माय गॉड, लेट मी शो यू। Good, good. How are you? Oh my God. Handshake. It should be hugs at this point. Sure, why not? Feeling good, all right? You feeling good today? Fantastic. Okay, good. Are you enjoying? Yeah. Very good. Very good. Pretty amazing. Yeah. Love it. Perfecto. So awesome. Yeah, it is. ये देखो, कल ही मुलाकात हुई थी इनसे पब क्रॉल में, पॉला फ्रॉम US, और आज वापस देख लो मुलाकात हो गई। यही खास चीज लगती है पब क्रॉल वगैरह की, कि फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं सेम सिटी या फिर दूसरी सिटी में मुलाकात हो ही जाती है। अब मैं आपको कोलोसियम की हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ और बताता हूँ कि क्यों है ये खास और इसकी डिटेल्स क्या है बेसिकली। तो इसकी डिटेल्स इस तरह है कि येरा कोलोसियम, ठीक ग्रैंड जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये एक थिएटर था, ग्लैडिएटर्स थिएटर, जहाँ पे फाइटिंग होती थी, जहाँ पे एनिमल हंटिंग होती थी लाइव और पब्लिक इंजॉय करती थी। ये 55,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला थिएटर बनाया गया था, मतलब मान लो जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना हमारे, कलकत्ता का ले लो स्टेडियम, उस हिसाब से बनाया गया था। और यहाँ पे सोशल स्टेटस के हिसाब से लोगों को बिठाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो गरीब वगैरह होता था वो ऊपर दूर ठेठ बैठता था, और जो राजा के करीब होता, जो पैसे वाला धनी होता, वो नीचे बैठता था, उसको सारी सर्विसेज मिलती थी, मतलब खाना पीना, और जो राजा महाराजा के जमाने में सारी सर्विसेज, मतलब समझ जाओ सारी चीजें मिल जाती थी उसको। बेसिकली फाइटिंग यहाँ पे नहीं होती थी, ये तो अंडरग्राउंड हिस्सा है, अरीना पे होती थी। अरीना का प्लेटफॉर्म जो लेवल है ना वो ये रहा, लकड़े का, इतना ही अभी नया बनाया गया है, पूरा नहीं बनाया है, लेकिन आप समझ जाओ ये लेवल पे फाइटिंग वगैरह होती थी और लोग ये जगह पे बैठा करते थे और देखा करते थे फाइट्स वगैरह। और ये जो अंडरग्राउंड है ना, ठीक मेरे नीचे आप देख रहे हो, वहां पे लोगों को अभी अलाउड नहीं है, लोग जा नहीं सकते, लेकिन अरीना वगैरह पे जा सकते, जैसे कि लोग आप देख ही रहे हो बहुत सारे है ही है। बता दूं कि टीडोस जो राजा था ना रोमन एम्पायर का, टाइडोस के टीडोस ऐसा कुछ नाम था, तो 2100-2200 साल पहले उसने जेरूसलेम मंदिर को डिस्ट्रॉय करके, वहां सब लूटपाट करके यहाँ पे आया था, और उसी पैसे से फिर कोलोसियम वगैरह बिल्डअप किया था। पता नहीं लूटपाट, मंदिर तोड़ना या फिर फाइटिंग वगैरह करके खुश होना या फिर लोगों को दिखाना, क्या मजा आता था पहले के लोगों को भी। लेकिन ठीक है ना, वही बात है, पहले जो पाप थे वो अभी नहीं है, लेकिन अभी जो पाप होते वो पहले नहीं थे, बस वही बात है। तो अभी हम आ चुके हैं अरीना वाले लेवल में, जहाँ पे फाइटिंग वगैरह होती थी, ग्राउंड लेवल आप कह सकते हो। यहाँ पे ना बड़े बड़े आयरन के स्लैब्स हुआ करते थे, ताकि के कोई सीट से कूद के आ ना सके अरीना में, वरना यहाँ पे जो सोल्जर होते थे, जो ग्लैडिएटर्स होते थे, उनको आदेश था डायरेक्ट मार दो जो भी ऐसा कूद के वगैरह आ रहे। तो एनीवेज, ये ग्राउंड लेवल है, आप देख लो, जहाँ पे लोग आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। अभी फिलहाल तीन टाइप की फाइटिंग होती थी, एक तो होता था एनिमल वर्सेस एनिमल, अफ्रीका से एनिमल लाते थे, उनको भूखा रखते थे ताकि के फाइटिंग के टाइम वो एकदम खूंखार होकर फाइट करे। दूसरा फाइट होता था ग्लैडिएटर्स वर्सेस एनिमल, और तीसरा फाइट होता था ग्लैडिएटर्स वर्सेस ग्लैडिएटर्स, ग्लैडिएटर्स मतलब वही सोल्जर्स। ऐसे टॉयलेट हुआ करते थे यहाँ पे, बताओ, साथ में बैठ के करो। चलो भाई साहब, बहुत जान लिया कोलोसियम को, बहुत सी हिस्ट्री देख ली, निकलते हैं बाहर कोलोसियम के और जाते हैं रोमन फोरम, पैलेंटाइन हिल, एक दो मतलब इस टूर में और चीजें इंक्लूडेड है अगल बगल, वो भी कवर कर लेते हैं, देख लेते क्या है वो भी, है ना। इतना चलना होता है ना ये सब जगहों पे, लोग थक जाते हैं जी, और आराम फरमाते फिर अगल बगल की जगहों पे।
ये कोलोसियम के ठीक सामने है ना, विया साक्रा स्ट्रीट दिखेगी आपको, यही है विया साक्रा जहाँ पे रोमन फोरम है, और ये होली स्ट्रीट मानी जाती है। इसका कारण ये है कि पहले यहाँ पे मंदिर था, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये पहले टेम्पल हुआ करता था, रोमन टेम्पल। ये जो वाटर फाउंटेन्स होते हैं ना, इसकी खास बात बताता हूँ, इधर से आप बॉटल वगैरह भर सकते हो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट पीना है ना तो इसको ऐसे हाथ रखने का, और ये पिचकारी ये होल से निकलती है, उधर से आप पानी पी सकते हो। आसपास देखना पड़ता है कि भाई साहब कोई है तो नहीं, वरना गीले हो जाएंगे फुकट में। थोड़ा टफ है, मुश्किल है, लेकिन ठीक है, काम बन जाता है। Jewish temple was looted 70 AD, it's 2100 years before, okay. यहाँ पर ना एक मस्त इंटरेस्टिंग चीज पता चली है, ये जो बनाया गया था ये तो 1100 साल पहले बनाया गया था, लेकिन जो भी अंदर आर्किटेक्चर है ना वो किस चीज को दर्शा रहा है पता है, जो 2100 साल पहले रोमन लोग गए थे ना जेरूसलेम, और वहाँ पे ज्यूइश लोगों के मंदिर को तोड़फोड़ किया था ना, बस वही सब बनाया गया है कि कैसे वो चैंडल है जो झूमर वगैरह रहता है ना, उसको लूटपाट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बस वही सब ड्रॉइंग्स है। मतलब आप सोचो कि क्या इसमें इंटरेस्टिंग है कि 2100 साल पहले ज्यूइश लोगों का जेरूसलेम में अस्तित्व था। हालांकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जेरूसलेम की, लेकिन जब इस जगह पे आओगे ना, रोम में कोलोसियम के सामने रोमन फोरम में आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 2100-2200 साल पहले जेरूसलेम में ज्यूइश लोगों का मंदिर था जिसको तोड़ा फोड़ा गया था रोमन लोगों के द्वारा। यहाँ पर एक जो मंदिर बनाया गया था ना, वो ये रहा मंदिर, देख रहे हो क्या बनावट है ना इसकी, बड़े बड़े कॉलम्स तो देख लो, पिलर्स तो देख लो, क्या हाइट है इनकी। What's your name? Georgia. Georgia. It was such a great tour. Thank you. I learned so many things. it was actually a good tour. Third trip. My God. Since morning. मानना पड़ेगा पैसा बहुत मिलता है, नो डाउट, क्योंकि आप ही समझ जाओ पर पर्सन पे इनको 500 रुपया मिलता रहेगा, और ये 25 से 30 लोगों का ग्रुप एक साथ कैटर करते हैं। ये सिंगल लेडी की बात कर रहा हूँ, 500 रुपया इनको मिलता रहेगा कमीशन, मतलब एक टूर का 15,000, मतलब दिन का 3 टूर करते हैं जो कि इनका ये लास्ट टूर है, तो दिन का 40-50 हजार रुपया कमाई किधर भी नहीं, लेकिन मेहनत भी बहुत है ना, एक टूर के साथ 3-3 घंटा बिताना, चलते रहना और सारी चीजें एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है। माय गॉड, अंदर कितना ठंडा है यार, जोरदार है, मतलब सच कह रहा हूँ, क्या क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है। बाहर थोड़ी सी गर्मी लग रही है क्योंकि सनी सनी सा है, लेकिन जैसे ही अंदर आते हो मस्त चिल्ड वाला मौसम लग रहा है, क्या बात है, कोट पहनने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़े के लिए क्या ही पहनूं, अभी रहने देता हूँ हाथ में। तो ये हमने जॉर्जिया मैडम को अलविदा कह दिया जो हमारी टूर गाइड थी, और ये टूर आज का जो है हाफ डे टूर ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी और चढ़ाई हम कर रहे हैं और ऊपर पैलेटाइन हिल में जा रहे हैं, क्योंकि पैलेटाइन हिल से जो नज़ारे दिखेंगे वो भी शानदार दिखेंगे, मतलब रोम का काफी कुछ हिस्सा दिख सकता है, रोम का नहीं तो कोलोसियम और रोमन फोरम का हिस्सा। जी अपने को क्या, अपने को तो चढ़ाई करनी है, जितना चढ़ोगे उतना ही तो मज़ा ज़्यादा आएगा ना। बता दूं कि जो पैलेटाइन हिल है ना, ये इंपीरियल पैलेस हुआ करता था वो जमाने में, और ऊपर रूफटॉप पे गार्डन्स हुआ करता था जो अभी भी है। इनफैक्ट जो मैंने कुछ चीज़ें बताई, फॉर एग्जांपल स्कल्पचर्स हो गया, या फिर वो खिड़की से झांक के अंदर वो ड्राइंग्स नहीं देखी रूफटॉप पे, पता है क्या था? जी वो था उनका लैट्रिन। जी हाँ, वो लैट्रिन जाने की जगह थी, जो कि ऐसे तो जा नहीं सकते, लेकिन खिड़की से आप देख सकते हो रूफटॉप की वो जो पेंटिंग 2000 साल पुरानी, और यहाँ से जो नज़ारे है अब वो देखते हैं कि कितने शानदार हो गए। क्या बात है यार, क्या इनक्रेडिबल व्यू है ये रोमन फोरम का। अरे वो सब छोड़ो जी, ये सीगल क्या कर रहा है इधर, हैं क्या कर रहा है भाई, तू भी ऊपर से देख रहा है क्या रोमन फोरम को? जोरदार है, चोच मत मार देना, बहुत जाड़ी चोच है इसकी, है ना। और वो रहा कोलोसियम, मेरे को पता ही था कोलोसियम तो ऊपर से दिखेगा ही क्योंकि नज़दीक है ना, लेकिन ये रोमन फोरम का नज़ारा बहुत शानदार है, हिस्टोरिकल जगह अगर ऊपर से देखने मिले ना मज़ा ही आ जाता है। जी क्या बोलता है सीगल, आजकल इंसान इंसान के करीब नहीं आता है, बातें नहीं करता है, ईगो एटीट्यूड सब भरपूर रहता है, लेकिन इंसान को छोड़ के ये प्यारे पक्षी आ जाते हैं, बात बात करते हैं, फोटो वोटो खिंचवा देते हैं अपने साथ, है ना भाई। ये मिस्टर बीन है क्या भाई, बहुत सेम दिख रहा है, सच कह रहा हूँ। एक तो मेरे को डुप्लीकेट दिखा था यहाँ पे रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में 2.5 साल पहले जब मैं गया था, और भाई साहब ये दूसरा कॉपी देख लो इधर है रोम में। ऑल राइट गाइज, तो ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, जिसमें हमने रोमन की हिस्ट्री तो जानी लेकिन सात अजूबा में से एक कोलोसियम उसको भी जाना पड़गा, महसूस किया, अंदर घुसे और उसकी हिस्ट्री वगैरह जानी अपने, और बहुत कुछ दूसरी चीज़ें भी देखी आजू बाजू की, है ना। ये वीडियो इसलिए खास था क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड था और सात अजूबा में से एक
जो मेन हिस्सा है वो भी हमने कवर किया। यू ही बने रही है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। आगे आने वाले वीडियोस आपको और इंटरेस्टिंग मिलेंगे। ये हाला इसकी मुंडी किधर है, किधर है इसकी मुंडी? अच्छा हुआ भाई साहब कि पूरे 24 घंटे का टिकट एक साथ ही निकाल दिया था, वरना वापस जाने के लिए देख लो कितनी बड़ी लाइन है टिकट निकालने के लिए।